एवरीबॉडी, दिस इज ब्रजेश हियर और आप देख रहे हैं सीएबी इंफोमेंट्री। माय डियर फ्रेंड्स, लगभग 4 साल पहले भारत का इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम वेंट थ्रू ए मैसिव चेंज और टैक्स पेयर्स अक्रॉस द कंट्री वर इंट्रोड्यूस्ड टू ए कंजम्पशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, जिसको कि हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जानते हैं। यस, दैट इज जीएसटी। जीएसटी इज नोन एज इंडियाज मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड मोस्ट हिस्टोरिकल इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म। जीएसटी को भारत का हिस्टोरिक इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म माना जाता है। इस नए सिस्टम ने भारत के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज किया और इसने इंट्रोड्यूस किया यूनिफाइड टैक्सेशन, जिसकी फिलॉसफी थी वन इंडिया एंड वन नेशन। जीएसटी का जिक्र आते ही हमारे दिमाग में वन नेशन वन टैक्स का कंसेप्ट आता है। पर्पस था देश के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाइड कर। आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस एंड डायरेक्शंस बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो कि उन्होंने एसएससी और टैक्स पेयर्स के फेवर में पास करे हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स अंडर जीएसटी। इस वीडियो का पूरा लाभ लेने के लिए आप इसको अंत तक अवश्य देखें। जुलाई 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद से आज तक इसमें इतने अमेंडमेंट किए जा चुके हैं कि शायद जीएसटी लॉ मेकर्स को भी खुद ही अंदाजा नहीं होगा कि वे कितने अमेंडमेंट उसके प्रोविजंस में आज तक कर चुके हैं और उसको एक टैक्स फ्रेंडली, कस्टमर फ्रेंडली, एसएससी फ्रेंडली और टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाने की बजाय यह एक बहुत ही जटिल और कंबलसम एक्ट बना दिया गया। जीएसटी के अलग अलग मल्टीपल रिटर्न्स को फाइल करना एसएससी और इवन प्रोफेशनल्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया और वे उसको फाइल करने के लिए हमेशा से स्ट्रगल करते रहे और जब वे समय से फाइल नहीं हो पाए तो एसएससी पर एक बहुत बड़ी पेनल्टी जीएसटी इनसाइट द्वारा लगाई गई और जिसकी वजह से बहुत सारे एसएससी ना चाहते हुए भी जीएसटी रिटर्न के डिफॉल्टर हो गए। जीएसटी साइट का समय समय पर फेल हो जाना और उसकी कैपेसिटी जीएसटी एसएससी के नंबर के हिसाब से ना होने की वजह से भी उसका लगातार रिटर्न फाइलिंग्स की आखिरी डेट के दिनों में हैंग हो जाना या फेल हो जाना एक आम बात हो गई और यह भी एसएससीज और प्रोफेशनल्स की एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बना। डिफरेंट स्टेट्स की अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग यानी के एआर द्वारा एक ही इशू पर अलग अलग तरह की एडवांस रूलिंग देकर कंफ्यूजन को और बढ़ाया गया। जीएसटी के अंदर बहुत सारे टैक्स लैब्स, दैट इज मल्टीपल टैक्स लैब्स ने एसएससी की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया और यह एक बहुत ही कंबलसम एक्ट होता चला गया। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड बैंक अकाउंट ऑफ टैक्स पेयर फॉर रिकवरी ऑफ इवन पेटी टैक्स अमाउंट यानी छोटे छोटे अमाउंट के लिए हैज बिकम ऑर्डर ऑफ द डे एंड इज अनदर पेन पॉइंट फॉर एसएससीज बिकॉज इट इज इंप्लीमेंटेड इरेशनली एंड मेनी टाइम्स विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय द टैक्स ऑफिसर्स टू कलेक्ट द टैक्स रेवेन्यू इन ऑर्डर टू मीट द टारगेट्स वेदर द टैक्स डिमांड इज जस्टिफाइड और नॉट। दोस्तों, जीएसटी एक ऐसा लॉ है जिसको लाया गया ताकि वेरियस एक्ट्स को खत्म करके एक एक्ट बनाया जाए ताकि लोगों की परेशानियां कम हो सके, लेकिन देखा ऐसा गया है कि जीएसटी के अंदर सेल्स टैक्स या वैट एंड एक्साइज और सर्विस टैक्स, इनको मिलाकर एक एक्ट बनाया गया जिसको नाम दिया गया जीएसटी
और वही अधिकारी जो कि पहले एक्साइज सर्विस टैक्स और वैट को एडमिनिस्टर करते थे उन्हीं के ऊपर यह जिम्मेदारी डाली गई कि वे जीएसटी को भी एडमिनिस्टर करें ओवर द पीरियड। ऐसा अनुभव किया गया कि जिनके हाथ में जीएसटी के एडमिनिस्ट्रेशन की बागडोर दी गई उन्होंने अपनी पुराने एसएससी को हैरेस करने की प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा। आप नहीं भूले होंगे पहले भी सर्विस टैक्स एक्साइज या वेट के अंदर प्रोविजनल अटैचमेंट का प्रोविजन था। जी हां, जब भी टैक्स ऑफिसर को यह लगता था कि उसको रेवेन्यू कलेक्ट करना है और वह शायद सही समय पर यह प्रॉपरली नहीं कलेक्ट कर पाएगा तो वह एसएससी की यानी कि टैक्सेबल पर्सन की एसेट्स को प्रोविजनली अटैच्ड कर देते थे। जीएसटी एक्ट आने के बाद उसमें भी प्रोविजनल अटैचमेंट का प्रोविजन लाया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जीएसटी एक्ट के अंदर भी प्रोविजनल अटैचमेंट का उतना ही मिसयूज किया गया जितना कि पास्ट में सर्विस टैक्स एक्साइज और वैट के अंदर किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक लैंडमार्क केस में जीएसटी एक्ट के बारे में कहा है कि पार्लियामेंट की इंटेंशन ये थी कि जीएसटी एक सिटीजन फ्रेंडली टैक्स स्ट्रक्चर हो, लेकिन जीएसटी एक्ट का जो पर्पस था वही लॉस्ट हो गया जिस मैनर में इस टैक्स लॉ को हमारे कंट्री में एनफोर्स किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी एनफोर्समेंट के लिए टैक्स अथॉरिटी के बारे में यह भी कहा है कि जीएसटी एक्ट वॉज मेड टू बी सिटीजन फ्रेंडली एक्ट बट इट हैज नॉट रिमेन्ड सिटीजन फ्रेंडली एक्ट। यस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन दी कि जीएसटी एक्ट सिटीजन फ्रेंडली नहीं रहा है जैसे कि इसकी परिकल्पना की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने यह ऑब्जर्वेशन दी। बेंच ऑफ जस्टिस चंद्रचूड़ एंड एम आर शाह वर डीलिंग विद कॉन्टोर्स ऑफ द पावर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू अंडर द हिमाचल प्रदेश जीएसटी एक्ट 2017। हिमाचल प्रदेश जीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 83 के अनुसार अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स कमिश्नर की यह ओपिनियन है कि फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू यदि आवश्यक हो तो आफ्टर ऑर्डर इन राइटिंग ही कैन अटैच प्रोविजनली एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट belonging to taxable person. The earlier view was that opinion should be subjective opinion. यानी के पहले यह view था कि opinion subjective opinion होनी चाहिए, लेकिन now position has changed and it is that there should be some tangible material to form the opinion. अब यह position है कि कोई टेंजिबल मटेरियल होना चाहिए उस ओपिनियन को फॉर्म करने के लिए। ऑल्दो ऑर्डर इन राइटिंग डज नॉट मीन दैट ऑर्डर शुड बी लाइक ए जजमेंट बट इट मस्ट शो एन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। यानी कि ऑर्डर में यह दिखना चाहिए कि उसमें टैक्स ऑफिसर ने माइंड अप्लाई किया है, यानी कि there is an application of mind by tax officer. A balance has to be maintained between protecting the interest of revenue and protecting genuine business. Bench ne ye bhi opinion di ki ek balance maintain kiya jana chahiye between protecting interest of the revenue and protecting genuine business. कोर्ट का यह इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि कंट्री को या देश को इस टैक्स कल्चर से बाहर निकलना होगा जिसमें यह माना जाता है कि सारे बिजनेसेस फ्रॉडुलेंट हैं। टैक्स डिपार्टमेंट को और टैक्स ऑफिसर्स को
अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। अगर किसी ने 12 करोड़ रुपए टैक्स पे किया है और सिर्फ बहुत थोड़ा सा टैक्स ड्यू रह गया है, देन यू कैन नॉट स्टार्ट अटैचिंग प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा वेरी इंपॉर्टेंट जस्टिस चंद्र चूड ऑल्सो रिमार्क दैट इफ देयर इज एनी एलिनिएशन ऑफ एसेट्स और एसएससी इज बाइंडिंग अप और गोइंग इन टू लिक्विडेशन, देन इट इज अंडरस्टैंडेबल जस्ट बिकॉज यू हैव द अकाउंट नंबर ऑफ द टैक्सेबल पर्सन, यू कैन नॉट स्टार्ट अटैचिंग और इवन ब्लॉकिंग द रिसीवेबल्स ऑफ टैक्स पेयर्स। कोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई अपने एसेट्स को बेच रहा है या अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहा है या उसका बिजनेस लिक्विडेशन में जा रहा है, तब तो अटैचमेंट की बात समझ में आती है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपके पास यानी के टैक्स अथॉरिटी के पास उस टैक्सेबल पर्सन का बैंक अकाउंट नंबर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस अकाउंट को अटैच करना शुरू कर दें। आप ये नहीं कर सकते कि आप उसके रिसीवेबल्स को ब्लॉक कर दें, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कोर्ट की। जस्टिस चंद्रचूड़ ने टैक्स ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की भी बात कही। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा इंट्रोड्यूस द मैकेनिज्म ऑफ असेसमेंट ऑफ द टैक्स ऑफिसर विद व्यू टू हैव अकाउंटेबिलिटी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि टैक्स ऑफिसर बड़ी बड़ी डिमांड आफ्टर असेसमेंट रेस करते हैं ऑफ रुपीज से 10,000 करोड़, और अगर वह बाद में घटकर 1,000 करोड़ हो जाती है बाई अपीलेट ट्रिब्यूनल और द सुप्रीम कोर्ट, देन इट मस्ट गो टू द असेसमेंट ऑफ द टैक्स ऑफिसर। ये टैक्स ऑफिसर के असेसमेंट में जाना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बाई जस्टिस चंद्रचूड़ इन रेस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द टैक्स ऑफिसर्स। आई होप दैट लेजिस्लेचर शैल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ द टॉप कोर्ट एंड शैल मेक एंड अमेंड द लॉ अकॉर्डिंगली टू मेक द टैक्स ऑफिसर्स अकाउंटेबल इन लाइन विद द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द टॉप कोर्ट। ऐसी उम्मीद की जाती है कि जस्टिस चंद्रचूड़ के इस ऑब्जर्वेशन के बाद टैक्स ऑफिसर्स की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। हमारा लेजिस्लेचर इसकी कॉग्निजेंस लेगा और अकॉर्डिंगली लॉ को अमेंड करेगा ताकि टैक्स ऑफिसर भी अकाउंटेबल बनाए जा सके और हाई पेज असेसमेंट्स, रॉन्ग असेसमेंट्स और रॉन्ग अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए टैक्सेबल पर्पस जैसे केसेस में उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी एट ऑल, टैक्स ऑफिसर्स के लिए कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इन ऑर्डर टू मेक द जीएसटी एक्ट वर्केबल, जीएसटी एक्ट को वर्केबल बनाने के लिए ये मैसेज डाउन द लाइन एक्चुअल अथॉरिटीज के पास जाना चाहिए कि व्हाई द लेजिस्लेचर हैज मेड सर्टेन प्रोविजंस, लेजिस्लेचर ने सर्टेन प्रोविजंस को क्यों बनाया है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड देम, उनको बनाने के पीछे क्या पर्पस था। फॉर एग्जाम्पल एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फाइलिंग ऑफ एन अपील फ्रॉम एनी ऑर्डर ऑन डिपॉजिट ऑफ दैट टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जो कि अनडिस्प्यूटेड है और बाकी अमाउंट का 10%। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ टैक्स ऑफिसर्स को भी क्रिटिसाइज किया और उसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के नाम से पुकारा, यानी के टैक्सेबल पर्सन के ऊपर अचानक किया गया आक्रमण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट है जस्टिस चंद्रचूड़ के द्वारा फॉर जीएसटी टैक्स ऑफिसर्स। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि लॉ यह है कि जब यह बहुत ही नेसेसरी हो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, बिकॉज
ये पॉसिबिलिटी है दैट द रेवेन्यू विल नॉट बी एबल टू एनफोर्स द असेसमेंट ऑर्डर। अगर ये संभावना हो कि रेवेन्यू असेसमेंट ऑर्डर को एनफोर्स नहीं करा पाएगा, तब ऐसी कंडीशन में ही ऑर्डर फॉर प्रोविजनल अटैचमेंट हो सकता है। रेवेन्यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन अटैचिंग ओनली बिकॉज देयर इज एन असेसमेंट ऑर्डर। जस्टिस चंदूर ने कहा कि रेवेन्यू सिर्फ इसलिए किसी की प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकता कि उसने एक असेसमेंट ऑर्डर पास किया है। जस्टिस चंदूर ने कहा कि देयर कैन नॉट बी ए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, यानी कि टैक्सेबल पर्सन पर अचानक किया गया आक्रमण नहीं हो सकता। बेंच ने रेस्पोंडेंट अथॉरिटीज यानी के रेवेन्यू की इस बात पर भी खिंचाई की कि इस केस में रेस्पोंडेंट अथॉरिटी यानी के रेवेन्यू ने यह स्टैंड लिया था कि प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग इन कनेक्शन विद एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट वॉज डिस्क्रेशनरी। रेवेन्यू अथॉरिटीज का यह स्टैंड था कि अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट वॉज डिस्क्रेशनरी एंड नॉट मैंडेटरी। कोर्ट ने पूछा कि रेवेन्यू ऐसा एफिडेविट कैसे फाइल कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि रूल के अनुसार एसएससी विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी फॉर फाइलिंग ऑब्जेक्शंस एंड ऑफ हियरिंग, यानी के रूल के अनुसार एसएससी को अपॉर्चुनिटी फॉर फाइलिंग ऑब्जेक्शंस और हियरिंग देना जरूरी है। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बाय द कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट ऑफ फाइलिंग ऑफ द ऑब्जेक्शन बाय द एसएससी एंड राइट ऑफ हियरिंग ऑफ द एसएससी बिफोर ऑर्डर फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। कोर्ट के अनुसार ये एक ड्रैकोनियन लॉ है, यानी के कोर्ट के अनुसार ये एक बहुत ही कठोर लॉ है और इसको स्ट्रक्चर्ड करने की जरूरत है। टैक्स अथॉरिटी हैव टू अबाइड बाय द मैंडेट ऑफ लॉ इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट। कोर्ट ने फिर ये कहा कि टैक्स अथॉरिटीज को जो लॉ के द्वारा मैंडेट दिया गया है उसको उसकी लेटर और स्पिरिट में ही मानना होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू, कोर्ट ने कहा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है और इसलिए हम इसको पिकअप कर रहे हैं या उठा रहे हैं, और एक बार हम जो लॉ लेट डाउन कर देते हैं वो सारे देश में लागू होता है। राधा कृष्णा इंडस्ट्रीज के केस में ऑन 19 जनवरी 2019 एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर पास किया गया अंडर सेक्शन 83 ऑफ द हिमाचल प्रदेश जीएसटी एक्ट 2017। ऑन 30 जनवरी 2019 ये प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर लिफ्ट कर दिया गया जब पिटिशनर ने एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया। फिर भी ऑन 28 अक्टूबर 2020 को एक फ्रेश ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट पास किया गया रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा, जो कि बेस्ड था ऑन एलिगेशन फॉर द सेम पीरियड एंड सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो 28 अक्टूबर 2020 को फिर से एक फ्रेश ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट पास किया गया रेवेन्यू अथॉरिटीज द्वारा बेस्ड ऑन द सेम पीरियड एंड सेम कॉज ऑफ एक्शन। पिटिशनर ने रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया 4 अक्टूबर 2020 को बिफोर रेवेन्यू अथॉरिटीज, जिसमें उसने स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड अलाउ की जाए। लेकिन 6 नवंबर 2020 को पिटिशनर के रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर दिया गया रेवेन्यू अथॉरिटीज द्वारा, और जो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर था उसको कंफर्म किया गया विदाउट डीलिंग विद इश्यूज विच वर रेज बाय द पिटिशनर। टैक्स पेयर ने जो भी इश्यूज रेज किए थे अपनी पिटिशन में उनको डील किए बिना ही उस पिटिशनर का रिप्रेजेंटेशन रिजेक्ट कर दिया गया एंड
उसको कोई भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हायर्ड नहीं अलाउ की गई। इसी बेसिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने टैक्स पेयर ने यह सबमिट किया कि द पावर टू ऑर्डर प्रोविजनल अटैचमेंट अंडर सेक्शन 83 इज ए ड्रकोनियन पावर एंड स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूट इज नेसेसरी। यानी के लॉ के द्वारा जो पावर दी गई है प्रोविजनल अटैचमेंट की सेक्शन 83 के अंदर वह ड्रकोनियन पावर है, एक बहुत ही कठोर पावर है और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट इज नेसेसरी। स्टैट्यूट का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस बहुत ही जरूरी है। इस केस में इट हैज बीन सबमिटेड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट पिटिशनर हैज पेड रुपीज 12 करोड़ टुवर्ड्स रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट इन द असेसमेंट ईयर और रेवेन्यू के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजनल अटैचमेंट करने का रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है, क्योंकि असेसी के द्वारा 12 करोड़ रुपए पेड किए गए हैं टुवर्ड्स रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट इन द असेसमेंट ईयर। इसलिए प्रोविजनल अटैचमेंट का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। अगर आज की ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगी हो देन प्लीज लाइक एंड शेयर इट एज वेल। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी आगे आने वाली इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस की टाइमली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टे अपडेटेड एंड स्टे अहेड विद दिस चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।